मुजफ्फरपुर में नौकरी देने के नाम पर लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की डीवीआर कंपनी और उसके संचालकों ने कर्मचारियों पर पीड़ित लड़की ने उसे बंधक बनाकर पीटने और अपना यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद बिहार पुलिस ने यूपी तक छापेमारी की है। मामले में मुख्य अभियुक्त तिलक सिंह की गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई है। कॉल सेंटर का काम करने वाली डीवीआर कंपनी के कार्यालय हाजीपुर, पटना, गोपालगंज, मोतिहारी और बिहार के अन्य जिलों में है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी से 100 से ज्यादा लड़कियां जुड़ी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कंपनी ने झांसा देकर इन्हें भी प्रताड़ित और इनका यौन शोषण किया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कंपनी की जांच में जुट गया है। पीड़ित लड़की का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बेल्ट से उसकी पिटाई देखी जा सकती है। लड़की का आरोप है कि उन्हें फर्जी कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। 2.5 से 3 महीने बाद भी वेतन नहीं मिलने पर जब उसने CMD से बात की तो उसे बताया गया कि उसे नेटवर्क में 50 से 52 लोगों को जोड़ना होगा। इसके बाद वेतन 50,000 रुपये हो जाएंगे। लड़की का आरोप है कि तिलक सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ट्रेनिंग के नाम पर लोगों से 20,000 रुपये लिए जाते थे। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कहा कि इस कंपनी की जितनी भी शाखाएं सबकी जांच की जाएगी। गोरखपुर से मुख्य अभियुक्त तिलक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि लड़कियों को झांसा देकर उन्हें अपनी जाल में फंसाने का काम कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस को इन सब से पर्दा उठाना होगा। इस कंपनी का CMD का नाम मनीष सिन्हा है। पुलिस को सभी को शिकंजे में लेकर उनसे पूछताछ करनी होगी। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है, उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली, जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज सामने आई है कि लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया। नहीं नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है DBR झारखंड और बंगाल की तरफ से है। बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं के उन्हीं में से कम। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, हम लोगों ने देखा उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको जा करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में हुई है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। नहीं, हथियार का मालिक कहां का है और कहां जो इनका इस कंपनी के जो MD है वो मनीष सिन्हा है, ये सिवान के रहने वाले अभी तक। हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, अभी तक गिरफ्तारी की। क्या नाम है जिसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की? इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की। कहाँ करने के बाद फिलहाल केस दर्ज होने के बाद में हम लोग अनमैरिड लड़कियाँ रहती है सामने नहीं आती, तो पुलिस अपने स्थिरता तो बरत।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया, जबकि नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ कोई दूसरी नहीं। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेम चीज हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर किया है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको बहुत ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पर बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का इसमें गठन किया गया है, एसडीपीओ टाउन टू के नेतृत्व अभी तक के उसमें उस अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसमें आगे बिल्कुल उसमें जांच होगी। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट से पुलिस से संपर्क किया है? बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। हेलो मुजफ्फरपुर, मैं अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाएं अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर पैक पे आप आईफोन, कार, एसी तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर मुजफ्फरपुर। को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।